हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास कुकिंग। आज हम लोग बनाएंगे लौकी के कोफ्ते की एक शानदार सी सब्जी को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे एक लौकी को। हमने ये लौकी लगभग आधा किलो जितनी ली है। अब हम इसे छील लेंगे। हमने इसे छील लिया है। अब करेंगे इसे कद्दूकस। हम इसे पानी में ही कद्दूकस करेंगे, नहीं तो ये काली पड़ जाएगी। अब दबा दबा कर इसका सारा पानी निकाल लेंगे और इसे एक अलग बर्तन में रख देंगे। साथ में हम लेंगे आधा कटोरी जितना बेसन को और लौकी के ऊपर से डालेंगे हम मसालों को, तो एक चौथाई चम्मच जितना हींग, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चौथाई चम्मच जितना जीरा, एक चौथाई चम्मच जितना हल्दी पाउडर। ऊपर से डालेंगे बेसन को, साथ में एक चौथाई चम्मच अजवाइन और ऊपर से कटिंग धनिया। इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आखिरी में हम डालेंगे नमक को, लगभग आधा चम्मच जितना नमक डालेंगे। नमक बाद में डालेंगे क्योंकि ये पानी छोड़ देता है। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां बना देंगे। छोटी गोलियां बनेगी तो वो टेस्ट में अच्छी लगेगी। इस प्रकार से हमने सारी गोलियां बना दी है। अब हम लेंगे ऑयल को, उसे हाई फ्लेम पर गरम करेंगे। जब ये गरम हो जाए तब हम इसे मीडियम कर देंगे और एक एक करके सारी गोलियों को डाल देंगे। थोड़ी देर तक हम गोलियों को हिलाएंगे नहीं। जब ये थोड़ी पक जाए तब हम इसे पलट देंगे। ये थोड़ी पक गई है तो हम इसे पलट लेंगे। इस प्रकार से हम इसे चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। जब ये पक जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। साथ में हम लोग लेंगे दो टमाटर, एक मिर्ची और छोटे सी अदरक का पेस्ट बना लेंगे। और हम सेकी हुई मूंगफली को दरदरा सा पीस लेंगे। हमारे कोफ्ते भी तैयार हैं। तो हम सबसे पहले एक चम्मच जितना ऑयल लेंगे, उसे गर्म होने देंगे। फिर इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच जितना हींग, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जितना साबुत धनिया, आधा चम्मच जितना जीरा और एक चम्मच गरम मसाला। ऊपर से डालेंगे मूंगफली और ये टमाटर और मिर्ची का पेस्ट। इसे डालकर मिक्स कर लेंगे। हम लेंगे आधा कटोरी जितना दही, उसे भी इसमें डाल देंगे। आधा चम्मच जितना हल्दी, आधा चम्मच जितना मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच जितना नमक। इस प्रकार से इसे गरम करेंगे। साथ में एक छोटा चम्मच जितना सॉस से भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसका तेल भी इससे अलग हो रहा है। तब हम डालेंगे कोफ्तों को। और ये देखिए, इस प्रकार से हम कोफ्ते के एक प्लेट में ले लेंगे। ऊपर से हम लोग इसमें डालेंगे गरी के पाउडर को। साथ में कटिंग धनिया,
और सफेद तिल को। और ये तैयार हो गई हमारी शानदार सी कोफ्ते की सब्जी। अगर आपको हमारी ये लौकी के कोफ्ते की सब्जी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो सेंड करें।